सिंगाड़े के आटे की बर्फी कैसे बनाते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच हमने घी ले लिया है और 1 कटोरी के लगभग यहाँ पर सिंगाड़े का आटा लिया है। आटा हमने ये घर पे तैयार किया हुआ था, ये बहुत जल्दी सिकता है इसीलिए इसे जल्दी जल्दी चलाना होता है, इसमें गुठलियां ना पड़े इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए ये चलाते चलाते एकदम आटा हमारा ब्राउन कलर का हो गया है, अब हम इसे निकाल देंगे। आसान पर चैनल पर आप यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यहाँ पर देखिए ये हमने आटा सिंघाड़े का निकाल के रख दिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो आपको जिस हिसाब से बनाना खीर बना रहे हैं तो आप ज्यादा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर गुड़ और शक्कर दोनों हमने ली हुई है तो थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। यदि आप शुद्ध गुड़ की बनाना चाहते हैं या शुद्ध चीनी की बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप यदि एक बार गुड़ और चीनी की मिक्स बनाकर खाएंगे तो आपको स्वाद इसका अच्छा लगेगा और एक बार आप जरूर इसे ट्राई करें तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए ये हमने दोनों चीजों को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा भुना हुआ सिंगाड़े का आटा है उसको हमें पानी में घोल लेना है, यदि आप डायरेक्ट डालते हैं तो गुठलियां पड़ जाती है। यहाँ पर एक थाली में हमने घी लगा लिया था और यहाँ पर जो नारियल का बुरादा है उससे हमें नीचे रख देना है ताकि ये चिपक जाए, बाद में हमें समय नहीं मिलता है इसीलिए ये सब तैयारियां हमें पहले से करनी होती है। यहाँ पर बादाम, चिरौंजी और नारियल का बुरादा हमने रख लिया सजावट के लिए, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। यहाँ पर पानी होने को है, थोड़ा सा हमने दूध ले लिया है, पानी में हमें 5-7 मिनट का उबाल आ गया है। अब हम इसे जो घुला हुआ हमारा जो सिंघाड़े का आटा है भुना हुआ ये हम उसमें डाल देंगे। इस बर्फी की खास बात यह है कि व्रत में आप इसे खा सकते हैं और हल षष्ठी और ऋषि पंचमी के दिन जब जमीन का बोया हुआ बैल का जुता हुआ नहीं खाया जाता है तब भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। यहाँ पर 2-3 कुटी हुई इलायची का पाउडर डाल दिया है। ये सब चीजें हमें बहुत जल्दी जल्दी मिक्स करनी होती है क्योंकि इसमें गांठें पड़ जाती हैं। लास्ट में हमें दूध डाल देना है, दूध आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। दूध डालने से जो बर्फी है वो स्मूथ बनेगी, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। सबसे आखिरी में थोड़ा सा 1 चम्मच घी हमें और डाल देना है ताकि ये हमारी जो बर्फी है इसका स्वाद बहुत अच्छा लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकदम बिल्कुल चिकनी चिकनी हो गई है, दिख रही है एकदम और सुंदर भी आ रही है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थाली में या किसी भी बर्तन में आप इसे पलट दें, मनचाहे आकार से आप इसे काट सकते हैं, मोटा पतला किसी भी प्रकार से जमा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ड्राई फ्रूट से यहाँ सजा दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।